हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप सबों के लिए बेहद ही बेहतरीन वीडियो के साथ में हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि बकरी में थनेला हो जाए, बकरी के थन में सूजन हो जाए तो उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करें, किस प्रकार से इलाज करें और मैनेजमेंट और परहेज में क्या होना चाहिए, उन सब चीज़ों पर हम आपको इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बकरी के थन पर सूजन आ गया है तो सूजन को हम दबा कर देख रहे हैं कि ये पत्थर के जैसा हार्ड है या फिर इसमें गड्ढे बन रहे हैं, ये दब रहा। तो जब हमने इसे पालपेट किया, अंगूठे से दबाया तो इसमें ये दब रहा है, यानी कि ये पत्थर के जैसा हार्ड नहीं है और दूध भी इसका बिल्कुल सही है, यानी कि अभी इन्फेक्शन ज़्यादा फैला नहीं है। तो इस प्रकार के थनेला में जब दबाने पर दब जाए, डिप्रेशन बन जाए, देखिए हम अंगूठा से दबा रहे हैं तो यहाँ पर गड्ढे बन रहे हैं, डिप्रेशन बन रहा, यानी कि ये केस है अडर एडिमेटस स्वेलिंग का। इसमें नॉन इन्फेक्शियस ये थनेला है, ये संक्रमण वाला थनेला नहीं है, ये एडिमेटस स्वेलिंग है। और इस स्वेलिंग को, इस सूजन को ठीक करने के लिए हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। इसमें सबसे पहले हमें एविल 50 mg की टैबलेट, एक गोली सुबह एक गोली शाम, टैबलेट लैक्सिस उसको एक गोली सुबह एक गोली शाम और इंजेक्शन में हम इसे क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट 3 ml लगाएंगे इंट्रामस्कुलर। और उसके बाद 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि बेहद ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और थनेला, ये अडर एडिमेटस स्वेलिंग, ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। आप इसमें लहसुन की 10 कलियाँ डेली खिला सकते हैं 3 दिनों तक, बहुत ही कारगर उपाय है। वीडियो को आप शेयर करें।